मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले एक युवक ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिकेट खेल में क्रिज लाइन को ऑटोमेटिक एलईडी सिस्टम से जोड़कर आविष्कार किया है। दरअसल नीमच के टीचर कॉलोनी के रहने वाले युवक कुशाल तिवारी ने क्रिकेट में पारदर्शिता रखने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिज लाइन को ऑटोमेटिक एलईडी सिस्टम से जोड़ा है और यह प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए बीसीसीआई को भेजा है। कुशाल ने बताया कि मौजूदा क्रिकेट के खेल में एलईडी लाइटिंग स्टंप पर होती है, जिस पर बॉल के द्वारा थ्रो करने पर एलईडी लाइटिंग जलती है। स्टंप और बॉल के असमंजस को दूर करने के लिए कुशाल ने नया इन्वेंशन करते हुए क्रिज को ऑटोमेटिक एलईडी से जोड़ दिया है, जिसमें बॉल विकेट पर लगते और बैटमैन के क्रिज पर पहुंचते ही एक साथ लाइट जल जाएगी, जिससे थर्ड एम्पायर के लिए भी निर्णय लेना साफ हो जाएगा और खेल के बीच की असमंजस की स्थिति में पारदर्शिता आएगी। मेरे द्वारा, कुशाल तिवारी द्वारा, एक बहुत बड़ा इनोवेशन मैंने करा है, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि सिर्फ खाली बेल्स और स्टंप पे ही एलईडी लाइट जलती थी, पर मैंने इसके एक कदम आगे बढ़ के इनोवेशन कराए कि अब मैंने जो क्रिकेट की क्रीज लाइन है उसको भी एलईडी लाइट युक्त कर दिया है और उसको कनेक्ट करा है स्टंप्स और बेल्स की एलईडी लाइट से। इससे ये फायदा होगा कि जो रनआउट के समय जो स्थिति बनती है उसमें एम्पायर और बैट्समैन को दो जगह अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है, एक तो उसको स्टंप भी देखना है और दूसरा क्रीज लाइन भी देखना है। तो मैंने क्या है कि स्टंप की एलईडी लाइट और बेल्स को क्रीज की एलईडी लाइट से कनेक्ट करा है, अब एम्पायर और बैट्समैन को सिर्फ खाली एलईडी की क्रीज लाइन से ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बॉल का थ्रो जैसे ही स्टंप और बेल्स पे लगा तो उसके साथ जो एलईडी लाइट जलेगी उसके साथ साथ क्रीज की भी एलईडी लाइट जल जाएगी। इससे फायदा होगा थर्ड एम्पायर को भी, मौजूदा एम्पायर को भी और बैट्समैन को भी, और ये विकेट कीपिंग के समय भी काफी कारगर साबित होगी, क्योंकि विकेट कीपिंग के समय क्या बैट्समैन को तो पता ही नहीं होता है कि पीछे बेल्स गिर गई है, पर सबसे नजदीक उसके क्रीज लाइन रहती है। अब क्रीज लाइन भी एलईडी लाइट मैंने युक्त कर दी है तो उससे क्या है बैट्समैन को भी पता चल जाएगा कि पीछे विकेट गिर गया। और एक और स्थिति पैदा होती है जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है वो भी स्ट्राइक की तरफ, तब क्या होता है कि जो बॉलर है उसके हाथ से बॉल टच होते हुए नॉन स्ट्राइक पे लगे स्टंप पे जाके हिट हो जाती है, और उस समय यह देखा जाता है कि जो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन खड़ा है वो कहीं क्रीज लाइन से बाहर तो नहीं है, पर जैसे ही उसके बॉल हाथ से टच होके जैसे ही स्टंप पे जाके हिट होगी तो वहां पे जो एलईडी लाइट जले, जो स्टंप की एलईडी लाइट जलेगी वो अब क्रीज की एलईडी लाइट से भी कनेक्ट रहेगी। इससे ये फायदा होगा कि जो थर्ड एम्पायर है उसको आउट नॉट आउट में काफी फायदा मिलेगा, और ये भारत की तरफ से एक बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेट आईपीएल दिया है, पर तकनीकी के लिहाज से कोई भी इनोवेशन क्रिकेट के अंदर अभी तक भारत का नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, इसके लिए मैंने बीसीसीआई को प्रस्ताव भेज दिया है और पेटेंट के लिए भी फाइल कर दिया है। बहुत जल्द आपको आईपीएल में नीमच के एक छोटे शहर से में एक छोटा इनोवेटर ने जो इनोवेशन करा है वो आपको धरातल पे दिखेगा। देखिए ये जो क्रीज लाइन के ऊपर जो लाइट लगने का ऑटोमेटिक जो स्टंप के जब बॉल हिट करेगी उसी के साथ में क्रीज में भी लाइट आएगी, तो उससे एम्पायर को और बैट्समैन को दोनों मालूम पड़ेगा कि स्टंप लगने से पहले वो क्रीज में था कि नहीं था। और ये हिंदुस्तान में जैसे क्रिकेट हमारा एक धर्म की तरह माना जाता है तो इसमें जो पारदर्शिता आएगी गेम के अंदर तक कभी लगेगा नहीं कि बायस कोई उसके अंपायरिंग हुई है या गलत आउट दिया गया है। तो ये क्रिकेट के साथ साथ उस खिलाड़ी के साथ भी इंसाफ होगा जो कभी बहुत सी बार नहीं हो पाता है, बहुत सी बार बेनिफिट डाउट में भी खिलाड़ी आउट हो जाता है तो ये उससे बच जाएंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।